मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पार्ट. सो टिल नाउ यू सॉ दैट हाउ ओल्ड वॉश वुमेन यूज टू अर्न हर लाइवलीवुड, कैसे वो अपना पेट पालती थी, कैसे वो पैसे कमाती थी कपड़े धो धो के. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. शी डिड नॉट गो टू, और वो जो है क्या नाम है, किसी अनाथ आश्रम में या किसी चर्च के बाहर बैठ के भीख नहीं मांगती थी. वो उसे अपने अंदर एक स्वाभिमान था और वो उसी को देख करके वो अपना काम करती थी. सो माई मदर स्पोक अ लिटिल पॉलिश एंड द ओल्ड वुमन वुड टॉक विथ हर अबाउट मेनी थिंग्स. अब जो मेरी माँ थी वो थोड़ा बहुत पॉलिश के बारे में बात करती कपड़ों के, लेकिन वो बूढ़ी औरत कई सारे टॉपिक्स पर बात करती थी. शी वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ मी एंड यूज्ड टू से दैट आई लुक लाइक जीसस. वो मुझे देख करके, मतलब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं आइजैक, कि मुझे देख करके वो बहुत खुश रहती थी. और जब भी वो मुझे देखती थी तो क्या कहती थी कि मैं जीसस की तरह दिखता हूँ. शी रिपीटेड दिस एवरी टाइम शी केम. जितनी बार वो मेरे घर पर आती थी वो इस शब्द को रिपीट करती थी. एंड मदर वुड फ्राउन एंड विस्पर टू हर सेल्फ, हर लिप्स बैरली मूविंग. लेकिन माँ इस बात को सुन करके थोड़ा गुस्साती थी और अपने आप में बड़बड़ाने लगती थी ओंठ को हिलाते हुए. मे हर वर्ड्स बी स्कैटर्ड इन द वाइल्डनेस, मतलब ये जो बोल रही है, हे भगवान, ये सब गलत हो जाए. द वूमन हैड अ सन हु वॉज रिच. आई नो लॉन्गर रिमेंबर वॉट सॉर्ट ऑफ बिजनेस ही हैड. ऑथर कह रहे हैं कि उस बूढ़ी औरत के पास एक लड़का था जो कि अमीर था. आई नो लॉन्गर रिमेंबर वॉट सॉर्ट ऑफ बिजनेस ही हैड, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह का बिजनेस उसका था. ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज मदर द वॉश वुमेन. वो अपने माँ से जो है, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज मदर, वो अपनी माँ से परेशान था. अशेम्ड मतलब शर्मिंदा था वो, क्योंकि वो क्या थी, एक धोबिन थी. एंड नेवर केम टू सी हर, और कभी उसको देखने नहीं आया. नॉट डिड ही एवर गिव हर अ ग्रोशन, और ना ही कभी उसने जो है उसे एक रुपये भी दिया हो. द ओल्ड वुमन टोल्ड दिस विदाउट रैंकर, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शर्म के, उस बूढ़ी औरत ने सीधी ये बात ऑथर की माँ से बताया कि कभी मेरे बेटे ने मुझे एक रुपये नहीं दिया. वन डे द सन वॉज मैरिड, एक दिन उस लड़के की शादी होती है. इट सीम दैट ही हैड मेड अ गुड मैच, और ये वॉश धोबिन बता रही है ऑथर की माँ से कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों. दे आर मेड फॉर ईच अदर. द वेडिंग टुक प्लेस इन अ चर्च, शादी कहाँ हुई, चर्च में. द सन हैड नॉट इन्वाइटेड द ओल्ड मदर. अब सोच लो स्टूडेंट्स कि उस बेटे ने अपनी माँ को नहीं इन्वाइट किया टू हिज वेडिंग, अपनी शादी में. बट शी वेंट टू द चर्च एंड वेटेड एट द स्टेप्स टू सी हर सन लीड द यंग लेडी टू द आल्टर. लेकिन वो बेचारी तब भी वो चर्च तक चल के गई, लेकिन वो अंदर न जा करके उसी सीढ़ियों पर खड़े होकर के देख रही थी कैसे उसका बेटा उस यंग लेडी को आल्टर तक लेके जा रहा था, तो जहाँ पर वो लोग शादी होती है. आई डू नॉट वॉन्ट टू सीम अ चौविनिस्ट. आई डोंट वॉन्ट टू सीम अ चौविनिस्ट. मैं, कहती है औरत, कि मुझे इन सब चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैन एंड वुमेन. चौबनेस का मतलब होता है कि पार्शियलिटी जो होता नहीं है, कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी, आपको ये जिम्मेदारी निभाना है. मतलब मैं इस तरह में मानती नहीं हूँ, उस बूढ़ी औरत ने कहा. बट आई बिलीव दैट नो जीविस सन वुड हैव एक्टेड इन दिस मैनर. लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे ये लेकिन यकीन है कि कोई भी यहूदी का बेटा इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से मेरे बेटे ने किया. बट आई हैव नो डाउट दैट हैड ही डन दिस द मदर वुड हैव श्रीक्ड. लेकिन ये, मतलब ऑथर कह रहे हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से कोई वो नहीं कि मेन को ये काम करना चाहिए, वुमेन को ये काम करना चाहिए. लेकिन मुझे ये यकीन है, आइजैक कह रहे हैं, कि जीवस का लड़का अगर होता, मीन्स यहूदी का बेटा होता, तो इस तरह से रिएक्ट ना करता. और इसमें कोई डाउट नहीं है. Had he done this, the mother would have shrieked and wailed.
लेकिन अगर ऐसा किसी ने किया होता तो माँ जो है वो चिल्लाती और वेल्ड मतलब रोती एंड सेंड द सेक्सटन टू कॉल हिम टू अकाउंट। और सेक्सटन मतलब जो चर्च की देखभाल करते हैं फादर, उनको जो है ये बात बताती। इन शॉर्ट ज्यूज आर ज्यूज एंड जेंटाइल्स आर जेंटाइल्स। तो आइज़ैक कहते हैं कि थोड़े में समझिए कि ज्यूज जो है वो ज्यूज हैं, यहूदी जो हो यहूदी हैं, और जेंटाइल्स जो यहूदियों को नहीं मानते वो जेंटाइल्स हैं। द स्टोरी ऑफ द फेथलेस सन लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन अपॉन माई मदर। अब जो मतलब उस औरत ने अपने बेटे के बारे में बताया, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मेरी माँ पर। ऑथर कहते हैं शी टॉक्ड अबाउट इट फॉर वीक्स एंड मंथ्स। कई हफ्तों तक, कई महीनों तक मेरी माँ ने इस पर चर्चा किया। इट वॉज एन अफ्रॉन्ट नॉट ओनली टू द ओल्ड वुमेन बट द एंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड। ये एक गलत व्यवहार था, ये एक यू कैन से दैट इट इज़ नॉट, इट वॉज अ नेगेटिव थिंग नॉट ओनली टूवर्ड्स द ओल्ड वुमेन। उस धोबिन के लिए ही नहीं था बल्कि इस सृष्टि में, इस पूरे वर्ल्ड में जो मातृत्व है, मदरहुड का मतलब ममता, मातृत्व जो है उस पर एक ये समझ लो कि एक तमाचा था कि जिस माँ ने अपने 9 महीने पेट में रख करके उस छोटे से बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, और अपने ही शादी में उसने अपनी माँ को नहीं बुलाया। यही सब बातें जो है ऑथर की माँ कई हफ्तों, कई महीनों तक करती रही। मदरहुड आर्ग्यू न्यू डज इट पे टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर चिल्ड्रेन। द मदर यूजेज अप हर लास्ट स्ट्रेंथ एंड ही डज नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी। कहते हैं ऑथर की माँ कभी कभी झगड़ा करती, आर्ग्यूमेंट करती कि क्या हमेशा हम ही लोग सेक्रीफाइस करें बच्चों के लिए। द मदर यूजेज अप, मतलब माँ जो होती है वो अपनी आखिरी ताकत तक लगा देती है, और बेटे जो होते हैं क्या लॉयल्टी का मतलब भी नहीं जानते कि लॉयल होना क्या है, वफादार होना क्या है। एंड शी वुड ड्रॉप डार्क हिंट्स टू द इफेक्ट दैट शी वॉज नॉट सर्टेन ऑफ हर ओन चिल्ड्रन। और यही बात करते करते आइज़ैक कहते हैं कि यही बात करते करते कभी कभी वो हम लोग को भी हिंट देती थी कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके बच्चे उनके साथ क्या करेंगे। हु नोज वॉट दे वुड समडे डू। वो कहती थी मतलब ऑथर की माँ कि कौन जानता है कि अगले दिन वो क्या करेंगे। दिस हाउएवर डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम डेडिकेटिंग हर लाइफ टू अस। और यही सब बातें जो उस बूढ़ी औरत ने बताया, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहती थी, मतलब ऑथर कह रहे हैं अपने मम्मी, अपने माँ के लिए। If there was any delicacy in the house, she would put it aside for the children and invent all sorts of excuses and reasons why she herself did not want to taste it. और अगर कोई बढ़िया चीज़ जो बनाती घर में तो वो किनारे कर देती है लड़कों के लिए। And invent all sorts of excuses. और कई तरह के excuse जो हैं वो, और कारण बताती थी, reasons why she herself did not want to taste it. क्यों वो उस चीज़ को taste नहीं करना चाहती थी। She knew charms that went back to ancient times and she used expressions she had inherited from generations of devoted mothers and grandmothers. वो जानती थी कि जो पुराने समय की जो charms हैं, जो सुंदरता थी, जो मातृत्व था, जो motherhood था, and she used expressions she had inherited from generations of devoted mothers and grandmothers. और वो जैसे खानदानी जो दादी माँ हमारी थी, या क्या नाम है, जो पुराने मतलब इनके पूर्वज थे माँ और दादी माँ, उनसे मेरी माँ ने जो है इन सब चीज़ों को इनहेरिट किया है, पाया है। इफ़ वन ऑफ द चिल्ड्रेन कंप्लेंट ऑफ अ पेन शी वुड से मे आई बी योर रैनसम एंड मे यू आउटलिव माई बोन्स। और शी वुड से मे आई बी द अटॉनमेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ योर फिंगर नेल्स। तो इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब कोई भी बच्चा कंप्लेन करता तो माँ क्या कहती, मे आई बी योर रैनसम एंड मे यू आउटलिव माई बोन्स। लाओ वो दर्द जो तुम्हें है वो अगर मुझे हो जाता और मेरी हड्डियाँ तुम्हारे में लग जाती ताकि तुम्हें दर्द ना होता। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी द होल पैराग्राफ दैट ओनली द लव ऑफ मदर
has been shown. Or she would say, may I be the atonement of the least of your fingernails. मतलब अगर उंगली के बराबर भी तुम्हारे कोई दर्द है तो मैं उसके बदले में अमेंड कर लेती, उसको मैं अपने अंदर ले लेती. When we ate, she used to say, health and marrow in your bones. जब हम लोग खाते थे तो वो कहती थी कि ये सब चीज़ें हड्डी और को हेल्दी और मैरो मजबूत बनाती हैं. द डे बिफोर द न्यू मून शी गेव अस अ काइंड ऑफ कैंडी. जिस दिन जो है नया चांद निकलता था वो हम लोग को कैंडी देती थी. दैट वॉज सेट टू प्रिवेंट पैरासिटिक वर्म्स, ताकि हमें कोई बीमारी ना होने को पाए. इफ वन ऑफ अस हैड समथिंग इन हिज आई, मदर वुड लिक द आई क्लीन विथ हर टंग. अगेन सी द लव ऑफ अ मॉम. कि अगर हम भाइयों में से किसी के अंदर अगर आंखों में कुछ पड़ जाता तो वो उसको अपने जीव से लिक करके, चाट करके उस आंख को साफ कर देती थी. शी ऑल्सो फेड अस रॉक कैंडी अगेंस्ट कफ्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम शी वुड टेक अस टू ब्लेस्ड अगेंस्ट द ईविल आई. और समय समय पर कफ के दौरान वो हमें दवा भी खिलाती थी. यहाँ पर वही है टफ कैंडी. एंड कभी कभी नज़र उतरवाने के लिए, ईवी लाई का मतलब नज़र लग जाना, तो हम लोग को ले जाती थी कि नज़र लगा हुआ तो नज़र भी झड़वा दो. दिस डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम स्टडिंग द ड्यूटीज ऑफ द हर्ट, द बुक ऑफ द कन्वेनेंट एंड अदर सीरियस फिलोसॉफिक वर्क्स. अब ये सब जो किताबों का नाम है, ड्यूटीज ऑफ हर्ट, बुक ऑफ द कन्वेंट एंड अदर फिलोसॉफिक वर्क, जैसे जो फिलोसफीज की बुक है, ये सब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. एक माँ जो है इन किताबों से कहीं ज़्यादा परे है. हम लोग किताब पढ़ करके हम लोग ये जान पाते हैं कि मातृत्व प्रेम क्या है, लेकिन एक माँ के अंदर पहले से ही भरा हुआ होता है. वो देखिए इस पैराग्राफ में उसने कहा कि जनरेशन वाइज जनरेशन, दादी माँ, माँ, फिर नेक्स्ट वो चला आता है. बट रिटर्न टू द वॉश वूमन, द विंटर वॉज अ हार्श वन, द स्ट्रीट्स वर इन द ग्रिप ऑफ अ बिटर कोल्ड. लेकिन अगर हम बात करें उस बूढ़ी औरत धोबिन की, तो ठंडियों का दिन उनके लिए बहुत खराब होता था. द स्ट्रीट्स वर इन द ग्रिप ऑफ अ बिटर कोल्ड. पूरा का पूरा सड़क जो है वो ठंडी के मारे, ठंडी के चपेट में होता था. नो मैटर हाउ मच वी हीटेड आर स्टोव, द विंडोज वर कवर्ड विथ फ्रॉस्ट वर्क एंड डेकोरेटेड विथ आइसिकल्स. कितना भी हम स्टोव जला लें, कितना भी हम अलाव फायर जला लें, लेकिन जो हमारा विंडोज हुआ करता था वो ओस से जमा हुआ करता था, ओस से जमा रहता था और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े उस पर लदे रहते थे. द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द पीपल वर डाइंग ऑफ द कोल्ड. डेली के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकलती थी, कई लोग ठंड से मर गए. कोल बिकेम डियर. कोल जो है जिसको गर्मी में देखना पसंद हम लोग नहीं करते थे, वो हमारा सबसे प्यारा हो गया. कोल से ही हम आग जला कर गर्मी मिलती थी. द विंटर हैड बिकम सो सीवियर दैट पेरेंट्स स्टॉप्ड सेंडिंग चिल्ड्रेन टू द शेडर. इतनी ठंडी पड़ने लगी थी कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को शेडर भेजने से मना कर, शेडर मतलब जीविस स्कूल्स, यहूदियों के बच्चे जहाँ पढ़ते थे. एंड इवन द पॉलिश स्कूल्स वर क्लोज्ड. और जो जेंटाइल्स के बच्चे हुआ करते थे वो भी स्कूल बंद थे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आई विल बी अपलोडिंग टुमारो. ओके, सो गो थ्रू इट. आई हैव अपलोडेड फर्स्ट पार्ट ऑल्सो, दिस पार्ट ऑल्सो. ओके, सो गो थ्रू इट. थैंक यू क्लास.